आज की वीडियो में मैं खेल रहा हूँ अपने दोस्त एक्सीविजी के साथ। इसमें हम करने वाले हैं 5 चैलेंजेस। Run. Bye, have a great time. गेम में ये हमारी आखिरी मीटिंग है, उसके बाद तुम्हें एक्सीविजी का POV ही देखने को मिलेगा। तो देख लो, वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा तुम लोग को। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक केव में, जहाँ पे मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है स्टोन को। स्टोन से मैं बनाऊँगा स्टोन के टूल्स, और उससे मैं जाऊँगा अपने पहले चैलेंज की तरफ। यहाँ पे मेरे को एक केव की स्टार्टिंग भी दिख गई थी, लेकिन ये केव मेरे को इतनी पसंद नहीं आई कुछ। जब तक मैं इस केव में जाता हूँ, तब तक के लिए तुम एक्सीविजी का POV देख सकते हो। सो एक्सीविजी को यहाँ पे मिल जाता है एक रुइन पोर्टल, जिसकी चेस्ट को ओपन करने के बाद उन्हें मिलता है कुछ ऐसा, एक गोल्डन एप्पल। इस केव में कुछ ही देर सर्च करने के बाद मुझे मिल जाता है बहुत सारा आयरन, जो कि रो होता है। तो उसको स्मेल्ट करने के बाद मुझे मिल जाता है पक्का वाला आयरन, जिससे मैं बना लेता हूँ कुछ टूल्स आयरन के, जैसे कि आयरन सोर्ड, आयरन पिकैक्स और आयरन एक्स। इससे मेरा नंबर 1 चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अपन लोग देख लेते हैं एक्सीविजी के POV को। यहाँ पे एक्सीविजी ने अपने 2 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक था बैल को कलेक्ट करना विलेज से, दूसरा आयरन टूल्स। एक्सीविजी की स्पीड को देखते हुए अब मुझे ये चैलेंज जल्दी कंप्लीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ वाटर में और कलेक्ट कर लेता हूँ वाटर अपनी बकेट पे, जिससे मैं बना लेता हूँ एक नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल को इग्नाइट करने के लिए मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है वुड लाइटनिंग वाले प्रोसेस को। इससे MCP में बहुत जल्दी नेदर पोर्टल इग्नाइट हो जाता है। बाकी यहाँ पे मेरा सेकंड चैलेंज जो है वो था ग्लोस्टोन ब्लॉक पे खड़ा होना। ग्लोस्टोन ब्लॉक बनाने के लिए मुझे चाहिए होते हैं 9 ग्लोस्टोन डस्ट। उससे मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ ईजली ग्लोस्टोन ब्लॉक। ग्लोस्टोन ब्लॉक पे जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, उससे मेरा सेकंड चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। नेदर में आ जाने के बाद मुझे दिखता है एक एंडरमैन। एंडरमैन को मार के मैं कलेक्ट कर सकता हूँ एंडर पर्ल। एंडर पर्ल मेरा 3rd चैलेंज है, तो 3rd चैलेंज को कंप्लीट मैं यहीं नेदर में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे थोड़ी बहुत खुदाई करके, और आ जाता हूँ ओवर वर्ल्ड में। ओवर वर्ल्ड में आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब मुझे ब्लॉक्स को माइन करना था। वो मैं कुछ ही देर में कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने एडवेंचर पे। एडवेंचर यही था कि मेरे को एक रुइंड पोर्टल में से एक गोल्डन एप्पल मिलता है। गोल्डन एप्पल को कलेक्ट करके मैं अंधों की तरह निकल जाता हूँ। लेफ्ट साइड में मेरे बोट थी, लेकिन मैं वो देख नहीं पाया। अब मैं आ जाता हूँ विलेज में, और विलेज में आते ही एक्सीविजी मुझसे पूछता है कि अभी तक जिंदा हो क्या, जिसके जवाब में मैं लिखता हूँ नहीं। अब मैं अपना 4th चैलेंज कंप्लीट कर लेता हूँ, और 4th चैलेंज कंप्लीट करना होता है बैल को तोड़ना विलेज में से। बैल तोड़ के अब मैं बजाने वाला हूँ बैल को। ये एक मोटिवेशन है तुम सब के लिए कि अगर अभी तक तुम अगर वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं कुछ देर यहाँ पे वेट करता हूँ इस आयरन गोलम का, तब तक के लिए तुम एक्सीविजी को देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है। इस वक्त एक्सीविजी नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब है वो डायमंड्स की तरफ जा रहा है। डायमंड्स इस वाले वर्जन में मिलते हैं नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट। नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पे जब तुम जाते हो, तो वहाँ पे कुछ 50 से 60 के बीच में तुम्हें डायमंड्स मिलते हैं, और ये है एक कूल क्लच एक्सीविजी के द्वारा। सो इस लेवल तक पहुँचते मैं और एक्सीविजी दोनों बोर हो चुके थे। तभी एक्सीविजी बोलता है कि मुझे और नहीं खेलना, इसलिए मैं यहाँ से छलांग लगा के मर जाता हूँ। Really? It was at this moment that he knew he fucked up. तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है। बाय बाय।